तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से एक मेरे ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो आज क्या है कि आज है मैं शाम को निकल रहा हूं मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा रूम का जितना भी सब्जी था सब ख़त्म हो चुका है। तो कुछ आलू लेना है मार्केट से, तो हम लोग निकल पड़े हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है सुकल्याण, तो वो भी रहेगा इस वीडियो में। पर वो मुझे बोला कि वीडियो में भाई मुझे नहीं लगा, पर मैं तो लूँगा भाई, तो वो उसको भी लेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए, ये जो है ये कॉलेज का अंदर का कुछ हिस्सा है, जैसे कि आप मेरे और अगले कुछ वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो ये कॉलेज का कुछ नज़ारा है। अभी रात का टाइम है, शाम हो रहा है। अभी कितना बज रहा है? अभी 7:20 हो रहा है टाइम। तो चलते हैं, अब बाहर की तरफ जाएंगे। तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड से बात हो रहा है? तो सुकल्याण क्या है कि वो पानी लेने के लिए, मतलब डेक लेकर बोतल लेकर निकला था पानी लेने के लिए, तो वो इस तरफ आया है। चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं इस कॉलेज में। मार्केट जाएंगे, पहले पानी लेने के लिए वो बोतल यहाँ पे रख रहा है, अभी भर के रख देगा तो बाद में लेकर जाएंगे। तो ये कुछ इस रूम का नज़ारा है, आपको बैक कैमरा से दिखा देते हैं। हम पानी लेने के लिए आते हैं। तो ये कैसा रूम है, ये चालू नहीं है रूम, ऐसे यूज़ होता है। और इस एक्वा गार्ड से हम पानी लेकर जाते हैं, यहाँ से नीचे से इसका पानी आता है ऊपर, और हम यहीं से पानी ले जाते हैं पीने के लिए। भाई पानी भर के हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉलेज का गार्ड है के पास रख दिया है, और आते वक्त हम उससे अपना बोतल ले लेंगे। तो अभी जा रहे हैं मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो मार्केट जाएंगे आज। तो कुछ सब्ज़ी लेना है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम। तो आप आगे रहिए हमारे साथ और इस वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो सुकल्याण आगे आगे जा रहे हैं। सुकल्याण कैसा आलू लेना है? समझ रहे हो? तो हम लोग लगभग आ गए हैं। तो हम अभी है मास्कलाई बारी जलपाईगुड़ी में। तो यहाँ पे एक काली मंदिर है, तो ये रहा वो मंदिर, आप लोगों को दिखा देते हैं अच्छा से एक बार फिर से। तो ये काली माँ का मूर्ति है, मैंने थोड़ा सा जूम किया है वीडियो को। मेरे पीछे में एक देख रहे हो, वो जो दिख रहा है वो दुकान वाला, वो चिकन का दुकान है। तो वो साला इतना हरामी है ना, मतलब चिकन का दाम आगे कम है, और ये साला हम लोगों को स्टूडेंट समझ के पूरा ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा दाम बोल रहा था। बाद में उसको हटा देते फिर हम जब निकलने लगे वहाँ से फिर दाम कम करके बोल रहा है। हम लोग ले ही नहीं, ऊपर से गाली देकर निकल गए। आप लोग जो दूर देख रहे हैं लाइट जल रहा है, मतलब थोड़ा भीड़ दिख रहा है उधर वो साइड, वही मार्केट है जो यहाँ का शांतिपाड़ा मार्केट नाम से जाना जाता है। तो हम उसी मार्केट में जाएंगे, हालांकि ज़्यादा लेता है पर नाइट का टाइम है, और जो मेन मार्केट है यहाँ से थोड़ा दूर में, तो मेन मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे। तो देख रहे हैं यहीं पे दाम कुछ एडजस्ट करके ले लेंगे। तो चलो, तो सुकल्याण मेरे पीछे वाले दुकान से दाल ले रहा है, तो यहाँ से हम आलू ले रहे हैं। सुकल्याण सुन ले रहा है आलू अच्छा अच्छा जो है, तो वही लेकर जाएंगे। देख रहे हैं कितना लेना है, ले लेते हैं। सुकल्याण कितना आलू ले रहा है रे? कितना किलो? 3 किलो आलू, ठीक है ले ले। और कुछ लेगा? तो परवल भी लिए हम थोड़े, 10 रुपये का परवल ले लिए, क्योंकि ज़्यादा तो लोग हैं नहीं तो हम तो नहीं खाएंगे। तो अभी क्या हुआ था, ये सुकल्याण वहाँ पे परवल ले रहा था, तो परवल लेने के दौरान ये परवल लेकर बैग में ले लिया और वहाँ से निकल पड़ा, और बैग में दाल था जो उस दुकान से लिया था। तो जो होता है ना मसूर का दाल, वो दाल वही बैग में ही था, तो बैग से निकाल के फिर आलू लिया फिर परवल लिया, तो वो दाल वहीं पे रख दिया था नीचे, तो वहीं पे छोड़कर निकल गए थे हम। फिर से याद आया उसको, उसके बाद फिर हम गए वहाँ से लिए। तो यही अभी इंसिडेंट हुआ। क्या बढ़िया था गुरु। तो सुकल्याण का मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया था कल रात ही, तो मैंने तोड़ दिया था।
उसने तोड़ दिया बोल रहा है, देखो कैसे पागल है, अपना प्रोटेक्टर खुद ही तोड़ दिया मोबाइल का। मोबाइल नहीं तोड़ा, प्रोटेक्टर ऐसे टूटा दिया। क्या टूटा है, मोबाइल टूटा है, प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर थोड़ा सा टूट गया था, तो तूने पूरा उठा दिया, पूरा उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। इसको कहता है हाथ में अटक रहा, इसको कहता है लेजेंड, मतलब थोड़ा सा टूटा है तो पूरा ही निकाल दो। चलो देखते हैं उसका मोबाइल के लिए प्रोटेक्टर लगाएंगे, यहीं पे दुकान है आगे, तो चलते हैं वहीं पे। तो भाई बहुत ढूंढने के बाद ये दुकान मिला है हमें, तो यहीं पे बोले हैं हम दुकानदार को दिखाने के लिए इसका मोबाइल के लिए, जो कि रियलमी 2 प्रो का है। तो मोबाइल का 2 साल हो गया पर अभी तक न्यू कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं। तो लड़का तो अच्छा है, यूज़ अच्छे से करता है फ़ोन, मोबाइल को ठीक ठाक से रहता है। तो ये है दुकानदार, इनको हमने बोला था अच्छा वाला जो है लगा देने के लिए, तो ये लगा रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोगों का मार्केट करना हो गया और हम लोग कॉलेज के करीब आ गए हैं, आगे ही कॉलेज है, तो चलते हैं रूम में। लो एंटर भी कर गए कॉलेज के अंदर गेट से। हम लोग पैदल ही मार्केट जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये छोटा सा भाई है मेरा, इसी कॉलेज में रहते हैं, सर का हमारे इंदौर सर है, उनका लड़का है। और ये कलुआ, इसको बोलते हैं कलुआ, डोम्बे असली नाम है, डोम्बे डोम्बे। हाँ तो इसका असली नाम डोम्बे है। चलो ठीक है, टाटा गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट कर दो, टाटा टाटा कर दो इसमें, ठीक है चलो। जैसे मैंने बोला था कि आते वक्त हम पानी का बोतल ले लेंगे, तो सुकल्याण के हाथ में पानी का बोतल है, आप लोग देख सकते हैं। पानी गर्म तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ ना, और होगा भी नहीं क्योंकि ये थोड़ा माउंटेन साइड एरिया है। तो होम स्वीट होम में हम पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं अंदर। गेट खोलो, गेट खोलो, जल्दी जल्दी गेट खोलो। रूम में आ चुके हैं, ये हाथ में बैग है, नहीं स्विच दिया हुआ है। चलो खोलो गेट खोलो, ये रहा हमारा किचन, किचन का हालत थोड़ा सा ख़राब है भाई, मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो मेरे रूम में बहुत गर्म लग रहा है भाई, पहले जाके पंखा बंद चला देता हूँ। चलो पंखा चलने लगा। सो भाई मार्केट आज हो गया, तो मेरे ब्लॉग का आज नई पार्ट है। आप लोग हमें इसी तरह जैसे मैं बोलता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।